हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता कैश किचन में। तो आज हम लेके आए हैं साबूदाना से नवरात्रि स्पेशल रेसिपी, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कटोरी साबूदाना लिए हैं, मीडियम साइज की है। इसको हमने साफ कपड़े से पोंछ लिए हैं। उसके बाद हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे हमें पीस लेना है। तो पीसने के बाद ना एकदम सूजी की तरह दिखेगी। उसको हम एक बॉल में निकाल लिए हैं। उसी मिक्सी की जार में हम यहाँ पे दो मीडियम साइज की आलू, कच्चे आलू को छील के कट करके धो के लिए हैं। साथ ही अदरक डाल देना है, इसको अच्छे से पीस लीजिएगा। अभी साबुदाना जो पीसी हुआ है ना, इसी बॉल में हम डाल देंगे। तो छान लीजिएगा, मैं यहाँ पे भूल गई ना, इसमें जो भी टुकड़े होंगे ना आलू की बची हुई, वो छन जाएगी। तो इसे बहुत ही अच्छा रहता है, कोशिश करिएगा आप ध्यान से छान लीजिएगा, मैं भूल गई। तो मैं गुठलियाँ जो होगा ना उसको हम बीन के निकाल लेंगे। अभी से पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे साबुदाना ज़्यादा पानी सोख करेगी अभी, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, मिक्स करते जाना है। यहाँ पे हम लगभग 3 से 4 बार पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल चुके हैं। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। अब इसको हम ढक के साइड में रख देते हैं। और जब तक हम यहाँ पे एक बोतल ले लिए हैं, इसमें हमें डिजाइन बनानी है ढक्कन में। तो हम यहाँ पे सोया गरम कर लिए, इसमें पहले हम बीच में बड़ी सी एक होल्स कर देंगे, तो इस तरीके से। तो आप यहाँ पे चाकू से भी कर सकते हैं, चाकू खूब अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद होल्स बनाने के बाद, बड़ी सी छेद बनाने के बाद, इसमें स्टार की डिजाइन दे देना, यानी कि हमें यहाँ पे ढक्कन पे स्टार बनानी है। यहाँ पे स्टार बन चुकी है। अब यहाँ में हम घोल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से गाढ़ी हो चुकी है, फूल भी गई खूब अच्छे से। और यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे व्रत के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम साफ़ सुथरे मसाले डाल रहे हैं, जो कि हम एक एक पैकेट अलग में ले के रखे थे नवरात्रि के लिए। तो यहाँ पे हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर, और साथ ही हम डाल देंगे सेंधा नमक। तो आप अगर जैसे नॉर्मली घर के लिए बना रहे खाने के लिए, तो आप यहाँ पर नमक और मैगी मसाला डाल लें, और थोड़ी सी मिर्ची के पाउडर, तो बस इसी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी पानी डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक खास चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें ज़्यादा घोल को पतला नहीं करना है। गाढ़ी रहेगा ना तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं करना आपको। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम घोल बना के तैयार किए हैं। तो आप इससे ज़्यादा गाढ़ी भी रखेंगे ना तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे एक पोलोथीन लिए हैं, क्योंकि हमारे पास दूध की पोलोथीन है, इसको हमने धो के रख लिए थे। अब इसको हमने इस तरीके से कट लगा लिए थे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे, इसमें हम घोल भर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमें बोतल में भरने में बहुत ही आसान तरीका मिल जाते हैं पोलोथीन से। तो बहुत ही आपको परेशानी भी बिल्कुल भी नहीं होगी, इस तरीके से आप भर सकते हैं। इसमें हम कोने पर कट लगा लिए थे पहले से, तो इसमें आप कट लगा लीजिएगा। अब इसको हम डायरेक्ट बोतल में भर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए भर गया ना बहुत ही आसान तरीके से, बिना झंझट के, ना कुछ मार्केट से लाना, एकदम घर के जो भी सामान है ना उसी से बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हमने भर लिया है, ढक्कन बंद करेंगे। अब चलिए हम फटाफट गैस की तरफ। तो यहाँ पे हम तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे, इसमें हम थोड़ी सी घोल डाल के देख लेते हैं, ये फट तो नहीं रही है। साथ ही हमें दोनों चीज़ पता चल जाएगी, फटी भी नहीं है और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो बस हम इसमें बोतल ले लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों दबाते जाना है, इसमें डालते जाना इस तरीके से। तो एक बार में बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ना चिपक जाती है। तो कम कम करके आप इसको तलेंगे ना, उसे चिपक जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो तलने के बाद ना, फ्राई करने के बाद ना ये निकल जाती है, इसको निकाल लेंगे हम, अलग अलग कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, कम कम करके बनेंगे ना तो जल्दी बन भी जाएगी और अच्छे से ये पक जाती है। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए छोड़ दिए था, अब इसको हम पलट लेंगे। तो हमें दोनों तरफ से ना अच्छे से अलट पलट करते हुए क्रिस्पी करके, खूब अच्छे क्रिस्पी करके हम यहाँ पे इसको तल लेना है। तो जैसे हम कुरकुरिया बनाते हैं ना कुरकुरे, बस हमें ऐसे ही तलना है, ऐसे ही बनाना है इसको। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कलर आ गया है, तो ये फ्राई हो चुका है। अभी इसको हम छान के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बड़ी वाली छन्नी लिए हैं, इसमें छान लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाए। यहाँ प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको बाकी का जो है ना इसी तरीके से बना लेंगे। और हमने अलग अलग कर लिए ठंडा होने के बाद। और ये लीजिए गर्मा गर्म साबुदाने से बनी कुरकुरे की रेसिपी।
आपको मार्केट से लाना भी नहीं पड़ेगा। और नवरात्रि कर रहे हैं ना, तो इसको बना के रख लीजिए स्टोर करके, कम से कम हफ्ता 10 दिन महीने दिन तक चलेगी, लेकिन आप हफ्ता भर खा लीजिएगा, पानी पीने के लिए एकदम सही रहेगा। तो अगर हमारी रेसिपी कुरकुरे की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।